तो आज के इस वीडियो में हम जो स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं वो एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है और इसमें आपका मार्जिन 1 लाख के आसपास का लगेगा और इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टेड रिजल्ट भी आप यहां से देख सकते हो। कंटिन्यू प्रॉफिट दे रही है स्ट्रेटेजी। 1 लाख कैपिटल के ऊपर 2000, 200, 700, 600, 2000, 600, 2000, 2000 का प्रॉफिट। तो ये सारे प्रॉफिट देखकर आपको एक्साइटमेंट हो रही है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन चाहिए था। तो मुझे कई सारे लोग मैसेज भी करते हैं और उसमें से कई सारे मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि हम सर लॉस में हैं तो हम क्या करें, मैंने 10 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया था तो मैं अभी 5 लाख के लॉस में हूँ, एक सब्सक्राइबर ने 10 लाख का भी लॉस किया है। तो मैं सोच रहा था कि जो भी लोग लॉस कर रहे हैं उसके लिए मैं कुछ हेल्पफुल हो सकूं, लेकिन मैं एक एक पर्सन को तो हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा था कि हम एक क्लोज ग्रुप बनाए कोई, तो वहां पर हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। या तो मैं कोई कोर्स जैसे वीडियो की सीरीज बना दूं जो लोग लॉस में है वो कम से कम लॉस तो ना ही करे। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे आपसे कोई चार्जेस लेना है, नहीं, मैं ये सब आपको फ्री में प्रोवाइड करने का सोच रहा था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सिर्फ जेन्युइन लोग चाहिए। वैसे तो कई सारी अच्छी स्ट्रेटेजीज मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, ये स्ट्रेटेजी देखो, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है उतनी, आप सबको तो पता ही होगा, सब लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो मैं उसी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो लोग जेन्युइन है और सच में सीखना चाहते हैं। तो मैं वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकूँ कि जो लोग रियल में प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं। तो आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो और ये बात रिलेटेड कितने कितने लोग इंटरेस्टेड है वो भी कमेंट करना, और जितनी ज्यादा कमेंट होगी इंटरेस्टेड की तो उसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ये प्लान करना चाहिए कि नहीं। तो आपका सजेशन कमेंट जरूर करना। तो चलो अब आज की ये स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्ट्रेटेजी सीरीज करके चल रही है, तो आज की वीडियो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्ट्रेटेजी सीरीज की है, जहां पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि ये स्ट्रेटेजी बहुत फेमस हुई है, तो उस पर आप बैक टेस्ट कर दीजिए। और यहां पर मैं किसी का भी नेम रिवील नहीं करूंगा कि मुझे किसने स्ट्रेटेजी शेयर की है और ये स्ट्रेटेजी किसकी है, और वो मैं क्यों रिवील नहीं करना चाहता उसका भी रीजन आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले स्ट्रेटेजी के रूल्स देख लेते हैं। तो आज की ये स्ट्रेटेजी का नाम है निफ्टी इंट्राडे स्ट्रेटेजी। तो इससे आपको पता चल ही रहा है कि ये स्ट्रेटेजी निफ्टी की है। तो चलो पहले स्ट्रेटेजी के रूल्स देख लेते हैं। और अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट भी ओपन करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो पहले स्ट्रेटेजी के रूल्स देख लेते हैं। हमारा एंट्री टाइम होगा स्ट्रेटेजी का 9:20 का और एग्जिट टाइम होगा 3 PM का, और हमें करंट वीक की जो भी एक्सपायरी चल रही होगी उसका एट द मनी का कॉल एंड पुट दोनों बाय करना है। वो बाय करने के बाद हमें मंथली एक्सपायरी में जाना है और वहां पर जो भी 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी उसका कॉल और पुट दोनों सेल करना है। और ये जो चारों लेग है बाइंग के और सेलिंग के वो सब हम दो दो लॉट में ट्रेड करेंगे। इसका भी एक रीजन है कि इसमें हमारा 1 लाख का मार्जिन लगेगा दो लॉट में, और मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करने में भी इजी होगा, इसलिए दो लॉट रखे है। तो यहां तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और आई भी होगी तो भी मैं अभी आपको सिमुलेशन में दिखा दूंगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी को हम स्किप करेंगे एक्सपायरी डे पर, मतलब कि एवरी वीक ऑफ एक्सपायरी हम इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड नहीं करेंगे, और साथ साथ लास्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी, क्योंकि हम यहाँ पर जो सेल कर रहे हैं वो मंथली एक्सपायरी में ही कर रहे हैं, तो ये वन टाइप ऑफ कैलेंडर स्ट्रेटेजी है। तो हम मंथ के लास्ट वीक में ही ये स्ट्रेटेजी करेंगे तो कैलेंडर नहीं बनेगा, लॉन्ग आयरन फ्लाई जैसा कुछ बनेगा। तो हम एक्सपायरी पर ट्रेड नहीं करेंगे और लास्ट वीक ऑफ द मंथ की एक्सपायरी में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इस स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम लॉस जो हम लेंगे स्ट्रेटेजी में वो 1000 का, और टारगेट रहेगा हमारा 2000 का, मतलब कि इस स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है। और ये दोनों में से कुछ भी हिट नहीं होता है तो हम 3 PM को स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर देंगे। तो रूल्स तो बहुत सिंपल है। तो अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, तो चलो अब हम इस स्ट्रेटेजी का सिमुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम है एलआईएस ब्लू कम्युनिटी, और एलआईएस ब्लू आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो एलआईएस ब्लू ने एक ट्रेडर कम्युनिटी बिल्ड करने की ट्राई की है
और इस ट्रेडर कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ भी चार्ज भी नहीं देना। अगर आपके पास LIS Blue का डीमैट अकाउंट है या नहीं उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से मेल आईडी से भी साइन अप कर सकते हो, उसमें डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहां पर साइन अप करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप गूगल में भी LIS Blue कम्युनिटी सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये ओपन होने के बाद आपको यहां पर साइन अप कर लेना है, और आप यहां पर आपकी जीमेल आईडी डालोगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। तो मेरा तो ऑलरेडी साइन अप है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो ये LIS Blue ट्रेडर कम्युनिटी का फ्रंट पेज है। आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप यहाँ पर सर्च बार में लिख सकते हो। तो मान लो कि मैं स्टॉक मार्केट में नया हूँ और मुझे IPO कैसे अप्लाई करना है वो जानना है, तो वो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो मुझे डिटेल में आंसर मिल जाएगा कि मैं कैसे IPO को अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया कि मैं LIS Blue के थ्रू IPO को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, और मैंने एंटर किया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी आंसर होंगे वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएंगे। देखो, तो ये सेम क्वेश्चन किसी और ने भी पूछ रखा था कि मैं IPO में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ LIS Blue के थ्रू। तो देखो, यहाँ पर सबने आंसर भी दिए हैं, और यहाँ पर LIS Blue के एडमिन जो है उसने भी एक रिप्लाई दे दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे IPO में भी अप्लाई कर सकते हो वो भी देख सकते हो। तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि मैं IPO में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ LIS Blue के थ्रू। तो ऐसे आप भी यहाँ पर बात कर सकते हो, कोई भी आपको क्वेरी हो उस रिलेटेड। तो LIS Blue ने ये ट्रेडर कम्युनिटी बनाकर एक अच्छा स्टेप लिया है, तो हम सबको यहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए, और यहाँ पर हम ट्रेडिंग रिलेटेड भी कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन भी है, वो क्या क्या है सुन लो। यहाँ पर हम कोई भी टिप्स या कॉल रिलेटेड सर्विस नहीं दे सकते, मतलब हम कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते कि आप ये स्टॉक बाय कर लो, ये सेल कर लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आइडिया शेयर कर सकते हैं हम। और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स है उसमें से कोई भी मेंबर्स को आपको एब्यूज नहीं करना है। अगर आप एब्यूज करते हो तो भी एडमिन के द्वारा आप इस ट्रेडर कम्युनिटी से रिमूव हो जाओगे। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जल्दी से ट्रेडर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जल्दी से साइन अप कर लो। तो चलो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सिम्युलेटर पर आ गए हैं, तो चलो देख लेते हैं एक दिन का बैक टेस्ट करके, ताकि आपको स्ट्रेटेजी का लॉजिक समझ में आ जाए। तो अभी जो लास्ट डे गया है फ्राइडे का, उसका ही बैक टेस्ट कर लेते हैं, लेटेस्ट का। हमारा एंट्री टाइम होगा 9:20 का, तो हम यहाँ पर 9:20 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने क्या देखा था कि हमें करंट वीक एक्सपायरी का कॉल और पुट एट द मनी का बाय कर लेना है। तो चलो मैं एक लॉट बाय कर लेते हैं, और उसके बाद मंथली एक्सपायरी में जाना है, और वहां पर 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पर कॉल और पुट सेल करना है। तो हमने कॉल भी सेल कर दिया और 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का एक पुट भी सेल कर दिया। और हमने रूल्स में दो दो लॉट का देखा था, तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो सारे दो दो लॉट में ट्रेड हो जाएगा। तो कैसे आपको स्ट्रेटेजी में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वो तो पता चल गया। अब यहाँ पर देखो इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है। देखो, ये एक इंट्राडे का ट्रेड है और मार्केट हमारी यहाँ पर मिडल में चल रही है। तो इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है कि अगर मार्केट यहीं की यहीं रह जाती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं आती, तो इस स्ट्रेटेजी में हमें लॉस होगा। या तो मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड, तो हमें इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होगा। और हमने लॉस रखा था 1000 का, जब भी 1000 का लॉस होगा तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, या तो हमारा 2000 का प्रॉफिट होगा तो हम स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर देंगे। तो चलो एक दिन का हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं अभी 15-15 मिनट करके आगे बढ़ाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 15-15 मिनट करके आगे बढ़ाता हूँ, और जब भी 1000 का लॉस या 2000 का प्रॉफिट होगा तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम 3 PM को स्ट्रेटेजी क्लोज कर देंगे। तो देखो, पूरा दिन हमारा 1000 का लॉस भी नहीं हुआ और 2000 का प्रॉफिट भी नहीं हुआ, और अब 3 बज गए हैं और हमारा लॉस चल रहा है 81 रुपीज का। तो हम यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी क्लोज कर देंगे और इस दिन का हमारा ट्रेड कंप्लीट। तो आपको कैसे ट्रेड करना है वो तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम स्ट्रेटेजी का रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट में मैंने ये पेज ओपन किया है जो आपने शुरुआत में इंट्रो में देखा था कि इस स्ट्रेटेजी में हमें कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो। ऐसे ही कंटिन्यू प्रॉफिट उस चैनल ने दिखाया था जिस चैनल की ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी की आपको रियलिटी में अब दिखाता हूँ। देखो, इस स्ट्रेटेजी के मैंने टोटल 100 ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया है, जो आप यहाँ से देख सकते हो, और स्ट्रेटेजी ओवरऑल लॉस में है। तो अब आप लोग शॉक हो गए होंगे कि हम तो प्रॉफिट सर्च कराए थे और ये स्ट्रेटेजी तो लॉस मेकिंग है। और ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी भी देखो कितनी कम है, 36% की। तो उसका ड्रॉ डाउन भी देखने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे कई दिन पहले ये स्ट्रेटेजी भेजी थी, लेकिन मैं अभी तक बैक टेस्ट नहीं कर रहा था। उसका भी रीजन क्या था कि मैंने आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाया, पे ऑफ ग्राफ कैसा था, ऐसा था
कि अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो हमें लॉस होगा, मार्केट मूव करती है तो हमें 2000 का प्रॉफिट लेना है। और ये स्ट्रेटेजी एक इनवर्स कैलेंडर टाइप की हुई। जनरली सब लोग कैलेंडर कैसे ट्रेड करते हैं, करंट वीक का सेल करते हैं और नेक्स्ट वीक या मंथली का बाय करते हैं। उसका लॉजिक क्या होता है कि करंट वीक में डीके ज्यादा होता है प्रीमियम का, और आपको पता ही होगा कि जनरली मार्केट साइडवेज रहती है, अप या डाउन ज्यादा मूव नहीं करती। सो इसीलिए कैलेंडर वाले प्रॉफिट बनाते हैं। और यहाँ पर तो कैलेंडर की उल्टी स्ट्रेटेजी थी। इस स्ट्रेटेजी में करंट वीक का बाइंग था और मंथ का सेलिंग था, तो मुझे वो तो पता ही था कि ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बहुत कम होगी और इसीलिए मैं बैक टेस्ट भी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का था, तो मुझे लगा कि चलो बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल हो रही है कि नहीं। और बैक टेस्ट करने का दूसरा एक मेन रीजन क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये स्ट्रेटेजी जिसने भी शेयर की है उसकी चैनल पर इस स्ट्रेटेजी में 2 लाख के आसपास व्यू है, तो 2 लाख लोगों ने वो स्ट्रेटेजी देखी है। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि स्ट्रेटेजी देखी है उन सब ने, लेकिन मेन बात ये है कि उसने ऐसे दिन ही दिखाए है जहां पर कंटिन्यू स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट दिया है। और इसीलिए मैंने भी आपको शुरुआत में यही दिखाया कि ये स्ट्रेटेजी में कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब कंटिन्यू लॉस होता है तो उसका क्या। यहाँ पर देखो कंटिन्यू लॉस चल रहा है, सिर्फ एक ही दिन में 200 का प्रॉफिट है। हम इतने दिन कंटिन्यू लॉस ले गए तो क्या हमारी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी और उतने ही कॉन्फिडेंस से हम ट्रेड ले पाएंगे। वो भी एक बात सही है कि किसी भी स्ट्रेटेजी में लूजिंग स्ट्रीक आती है, लेकिन प्रॉब्लम लूजिंग स्ट्रीक या विनिंग स्ट्रीक की नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि स्ट्रेटेजी लॉस वाली है, और 2 लाख लोगों ने जो स्ट्रेटेजी देखी उसमें से अगर हम 1% भी ले लें तो भी 2000 लोगों ने तो इसको ट्राई किया ही होगा। उससे क्या प्रॉब्लम हुआ होगा कि मान लो उसने अच्छे फेस में स्टार्ट की स्ट्रेटेजी कि कंटिन्यू प्रॉफिट आ रहा है, तो उसने क्या किया होगा कि लॉट बढ़ा दिए होंगे और कंटिन्यू जब लूजिंग स्ट्रीक आई होगी तो सारा प्रॉफिट चला गया होगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप कुछ अवेयर हो जाओ, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले आप खुद बैक टेस्ट कर लो। सो इसीलिए मैं आपको ऑलवेज कहता हूं कि आपको कोई भी स्ट्रेटेजी को ऐसे नहीं ट्रेड करना। आप जो भी स्ट्रेटेजी देखो उसका लॉजिक अच्छा लगे तो ही आप उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करो, और बैक टेस्ट में भी ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करे तो ही आपको लाइव में उस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर YouTube के बैनर पर भी देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि बैक टेस्ट बिफोर ट्रेड, क्योंकि मैं भी पर्सनली बैक टेस्ट के बिना कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड ही नहीं करता। लेकिन जो लोग नए स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको तो बैक टेस्ट के रिलेटेड ज्यादा कुछ पता भी नहीं रहता। सो इसीलिए ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है। और हाँ, मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे सजेशन मांगा है तो वो सजेशन आप जरूर कमेंट करना, और कितने लोग इंटरेस्टेड है वो भी कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हो गए तो वो मैं कुछ सोचूंगा वो स्टार्ट करने का। तो आप कमेंट जरूर कर देना, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। बाय।